नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर में मामूली विवाद के बाद मारपीट कर जूते की लेस बंधवाने वाले बदमाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश को पुलिस मौके पर लेकर पहुंची, जहां उसने अपराध से तौबा करते हुए माफी नामे का वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल पूरे मामले में बताया जा रहा है कि भवारकुआ थाना क्षेत्र स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग पर गाड़ी चलाने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। इसके बाद में बदमाश द्वारा युवक को रोक लिया गया और उसके बाद उसके साथ में जमकर मारपीट की गई। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में नजर आया था कि युवक के साथ मारपीट करने के बाद में बैठकर जूते की लेस बनवाई गई। गंभीर मामला होने के चलते पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया और फिर बदमाश रोहित की तलाश शुरू की गई और उसे पकड़ा गया है। तो वही घटनास्थल पर, जिसमें रोहित साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस क्षेत्र में नहीं आऊंगा और किसी से विवाद नहीं करूंगा, फिलहाल पुलिस पूरा मामले में जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित पर पहले भी कई अपराध दर्ज हैं और उसे पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। कल सुबह भोलाराम उस्ताद मार्ग है, जो कि भवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां सुबह करीब 7:45 बजे की घटना है। ये एक युवक है जो कि एक सैलून पे काम करता है, वो पैदल जा रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उसको कट मारी तेजी से। उस पे से उसने उससे पूछा कि भाई ऐसे कैसे चल रहा है, तो इसी बात पे उनका विवाद होने लगा और उस विवाद में ही उसने उसके साथ में युवक के साथ में मारपीट की है। और मारपीट के बाद जब वो युवक थाने पर आया है तो फिर उसके FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद में आरोपियों के संबंध में फुटेज, वीडियो फुटेज चेक किए गए, तब उसमें आरोपी की पहचान हुई है, जो कि रितेश राजपूत नामक लड़का है, जो कि हिम्मत नगर पालदा का स्थानीय निवासी है। उसके विरुद्ध अनेक मारपीट और लूट और उसके शरीर संबंधी अपराध करीब 10 मामले पंजीबद्ध हैं और इसके विरुद्ध नवंबर 2023 में बाउंड ओवर की कार्रवाई भी SCP जूनी इंदौर के न्यायालय से की गई है। 3 वर्ष के लिए बाउंड ओवर किया गया है, उसके बावजूद भी अपराध किया है, तो इसमें इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और विभिन्न धाराओं में प्रतिबंधात्मक में उसमें कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। जो इसने वायोलेशन किया है उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और सभी मामलों में अनुसंधान तेज गति से करके न्यायालय में मामला पेश किया जाएगा। सर, ये वीडियो में जो है लड़के से क्या फीते बनवाए जा रहे थे, क्या करवाया जा रहा? वो बाद में जब हमने CCTV फुटेज चेक किया है तो उसमें पता लगा है कि मारपीट के दौरान ही उसके पैर की तरफ कुछ जूते उते में कुछ उसने करने इशारा किया था, तो वो चीज़ें सामने आई हैं। उसी लिए हमने उसमें जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें गंभीर जो एक्ट की धाराएं हैं उसमें भी हमने कार्रवाई की है। इसमें साथ में ये युवक कौन से समुदाय से था, जिसके साथ मारपीट की गई? मारपीट जिसके साथ हुई है ये सैलून में काम करने वाला कर्मचारी है, जो कि आदिवासी समुदाय से है। इसके बाद में दो बाइक पर एक लड़की और एक युवक भी आया था, वो क्या उन पर भी किसी तरह का? उसके बारे में अभी हम अनुसंधान में उसका पता कर रहे हैं, CCTV फुटेज देखे हैं। वो कोई रास्ते चलते व्यक्ति था जिसने कि ये सब घटना देख के उसने भी वहाँ पे उस विवाद में हिस्सा लिया है और घटना में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बारे में भी हम छानबीन करके पता रसी करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आरोपी को क्या लोकेशन पे ले जाके वहाँ पर भी कुछ ले जाएंगे? आरोपी से जो अनुसंधान के दौरान कार्रवाई की जाती हैं वो सभी कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा की जा रही हैं और तत्परता से की जा रही हैं और जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसका भी पालन किया जा रहा है। किन धाराओं में सर ये मुकदमा? मारपीट की जो गंभीर धाराएँ हैं, जिसमें मारपीट के अलावा जो विशेष अधिनियम है उसमें भी कार्रवाई की गई है। सर, आरोपी युवक है, करीब 27-28 साल का युवक है और उसके विरुद्ध जो मामले हैं उसमें भी हम न्यायालय में भी पता कर रहे हैं किन किन मामलों में क्या क्या अभी स्थिति है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और